नमस्कार, आप सबको गुरुकुल में स्वागत है। मेरे वाणी को शुरू करने से पहले मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक से कमेंट करने के लिए। आज मैं रुद्र गायत्री के बारे में बोलने वाला हूं। रुद्र गायत्री का एक ऐसा प्रयोग, किसी को अगर स्वास्थ्य हानि हो रहा है, बार बार उसको तबीयत का पीड़ा हो रहा है, तबीयत खराब हो रहा है, तो ये प्रयोग करने के बाद वो धीरे धीरे स्वस्थ होने लगेंगे और पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। तो आप सभी तो जानते हैं कि महादेव महाकाल का जो कुछ मंत्र है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। वो एक महामृत्युंजय मंत्र, रुद्र गायत्री मंत्र और एक अघोर मंत्र भी है, जो कि है आपका उनको क्या उन विधान से उनको सेवा किया जाता है। तो आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि किसी इंसान को अगर कुछ दिनों से, यानी एक महीना, दो महीना, तीन महीना, छः महीना या एक साल, दो साल, कहीं से भी अगर किस टाइप का पीड़ा हो रहा है, पीड़ा मतलब शरीर का पीड़ा इन द सेंस उसको तबीयत बार बार ख़राब हो रहा है, कोई बीमारी लग रहा है, जा रहा है, फिर से आ रहा है, लग रहा है, फिर से आ रहा है, तो ऐसा हो रहा है, तो आप उनको डॉक्टर दिखाइए, उनका चेकअप कीजिए। उनको चेकअप करने के बाद भी कोई अपना जो मेडिसिन ठीक से काम नहीं कर रहा है, फिर बार बार उनका प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप कोई एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन करवाइए। अगर उनका कुंडली में कोई दिक्कत हो रहा है, कि जैसे चंद्र का, राहु का कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो जो भी है मंगल का कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो अगर आपको कुछ समझ ना आए, नहीं किसी तरह से आपने सब कुछ दिखा लिया लेकिन ठीक से प्रॉब्लम आपको पता नहीं चल रहा है, जो भी है, जितने भी सारे एक्सपर्ट हैं सारे एरिया में, उनको दिखा लीजिए, उनसे बात कीजिए कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। अगर ठीक नहीं हो, पहले डॉक्टर दिखाइए। डॉक्टर दिखाने के बाद भी उनका तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा है, तो फर्स्ट आप ये काम कीजिए। देखिए, ये जो आज मैं जो प्रयोग आपको बोलने वाला हूँ, ये प्रयोग आप घर पर भी कर सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं। मंदिर में करने से बढ़िया होगा, घर पर भी करने से सेम ही फल मिलेगा, कोई ऐसा बात नहीं है, लेकिन आपके घर में छोटा सा शिवलिंग होना चाहिए, अंगुष्ठ से बड़ा, उतना से उतना बड़ा नर्मदेश्वर शिवलिंग रखिए, या स्पोटिका है, कुछ भी है, आपका पारद के अलग बात है। तो अगर वो भी नहीं होता है, आपसे पॉसिबल नहीं है मंदिर जाके करने के लिए, तो आप शिव जी के फोटो के ऊपर भी कर सकते हैं। देखिए, बात दरअसल ये है, इस विधान के लिए आपको क्या क्या चाहिए पहले नोट डाउन कीजिए। 108 बेलपत्र, ठीक है, बेलपत्र जो है 108, जिस दिन पूजा होगा उससे जो पहले वाला दिन है, जैसे आज सोमवार आप पूजा करेंगे तो संडे को ही आप उसको तोड़ कर रख दीजिए, क्योंकि उसमें एक थोड़ा सा काम करना है, कुछ लिखना है, ठीक है। तो उसके बाद एक जटा वाला नारियल, एक अष्टगंध का आपको मिलता है छोटा सा डिब्बी, वो ले सकते हैं, आपका घर में अगर चंदन का पाउडर है उसको भी ले सकते हैं, थोड़ा सा अक्षत, एक सुपारी, धूप, दीप, आप जो नैवेद्य में आप फल वगैरह, मेवा वगैरह सब कुछ चढ़ा सकते हैं। तो ये वाला आपको काम करना है, ये करना है कि सोमवार या शनिवार का दिन, अगर मानो उस इंसान को ब्रीदिंग प्रॉब्लम, कफ, कल्ड, ऐसे आपको अजमा, ऐसे टाइप का टेंडेंसी बार बार रह रहा है, तो ये वाला प्रयोग सोमवार को कीजिए। अगर उसको दूसरे टाइप का प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे रिमोटिक प्रॉब्लम, उसको बुखार आ रहा है, जो भी है, उसको सैटरडे का दिन कीजिए, ठीक है। सोमवार या शनिवार दोनों दिनों से कभी भी कर सकते हैं, मेरे हिसाब से शनिवार बेस्ट होगा अगर राहु का प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है ना। तो करना क्या है आपको, अगर आप घर पे कभी करते हैं सेम प्रोसीजर है, अगर मंदिर में भी करते हैं सेम प्रोसीजर, खाली फोटो में होगा तो आप अभिषेक नहीं कर सकते, एक ही बात है। तो मंदिर जाइए, मंदिर जाने के बाद आप जो है शिव जी का अभिषेक कीजिए, आप अपना समर्थ के अनुसार जल में जल चढ़ाइए, धूप, आप दही से, मधु से आप उनका अभिषेक है। अभिषेक करने के बाद उनको एक जटा वाला नारियल, ठीक है, हाथ में पकड़ के, एक सुपारी, एक जटा वाला नारियल हाथ में पकड़िए, बोलिए कि मैं अमुक गोत्र हूँ, मेरा नाम ऐसा है, मेरा बच्ची के लिए, मेरा जो धर्मपत्नी के लिए, जो भी है, जिसके लिए, माँ के लिए, पिता के लिए, जो भी ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, कृपया आप उनको सही कर दीजिए, ये मेरा आपसे विनती है, मेरे गुहार है, मैं गुहार लगा रहा, ये करके उस जटा वाला नारियल को उनके पास छोड़ दीजिए, तभी उसके बाद आपका पूजा शुरू होगा। तो जो आप जो पूजा, जैसे रविवार का दिन जैसे आप बेलपत्र तोड़े, आपको क्या करना है, उसी दिन आपको थोड़ा रक्त चंदन का घोल बनाना है। अगर आपके पास रक्त चंदन, लाल चंदन का पाउडर है तो ठीक है, उसको हम रक्त चंदन बोलते हैं, तो उसको आप घोल बनाएं। घोल बनाने के बाद आप एक माचिस की तिल्ली हो या अनार का कलम में भी लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, माचिस की तिल्ली उसमें भी चलेगा, उसमें आप यह लिखिए, एक जो एक एक पत्ता, तीन पत्ता रहता ना, एक बेलपत्र में तीन पत्ते रहते हैं, तो एक पत्ते में आप राम, दूसरे पत्ते में राम, तीसरे पत्ते में राम, मतलब एक बेलपत्ते में तीन राम 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 आपको लिखना है, समझ में आ गया होगा मुझे जो लगता है, ठीक है ना। तो आप राम राम लिखने के बाद
ऐसा करके 108 पत्र को आप राम राम लिखिए, ठीक है। तो एक पत्र को आप हाथ में, बेलपत्ता को आप अपने हाथ में उठाइए, आपको जो तर्जनी उंगली टच करना नहीं चाहिए, ठीक है। उठा के आप ये मंत्र बोलिए, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात। ऐसा करके एक बेलपत्र ऊपर छोड़ दिए महादेव का ऊपर, फिर ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात, ऐसा दूसरा बेलपत्र भी आप उनका ऊपर छोड़ दीजिए। ऐसा करके धीरे धीरे 108 बेलपत्रों को आप छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद आप क्या कीजिए, उनके पास थोड़ा धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, अपना नैवेद्य दीजिए। अगर आप उनके लिए कोई छोटा सा कपड़ा ले सकते हैं, जैसा आपका छोटा सा धोती वगैरह वो एडिशनल है, आप उनको दे सकते हैं। करने के बाद आप उनको प्रणाम करके आपका बिनती लगाइए। देखिए, अगर आपका तबीयत जो है बहुत दिनों से ख़राब रह रहा है, 2 साल 3 साल 5 साल, तो आपको ये प्रोग्राम 3 बार 5 बार 8 बार करना है। नहीं तो अगर छोटा मोटा हो रहा है 2 महीना 3 महीना, तो इसमें एक बार भी वो आपका जो प्रॉब्लम चला जाएगा। देखिए, मेरा जो जितना भी विधान बताता हूँ, मैं आज बता रहा हूँ आपको, मेरा एक ही कंडीशन है, मैं जो बताता हूँ उसके बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन एक चीज़ आपको करना है, ये प्रयोग करने के बाद मंदिर का बाहर हो, कहीं भी बाहर हो, एक भूखा इंसान जिसको ज़रूरतमंद इंसान को आपको कुछ खाना खिलाना है, उसको कुछ दान करना है। दान में फल वगैरह, नारियल वगैरह दे सकते हैं आप, कपड़ा वगैरह दे सकते हैं, कुछ पैसा भी दे सकता है। लेकिन एक आदमी को आपको खुश करना है, जो कि जिसको ज़रूरतमंद है, ठीक है ना, उसको खाना खिलाना। बाहर में कोई बैठा है मांग रहा है, देखिए फिलहाल तो हम सब गरीब हैं, हम सब भगवान को ही मांगते, ठीक है ना। सभी को किसी ना किसी चीज़ का जरूरत होता है, तो इसलिए मैं नहीं बोलूंगा कौन अमीर है कौन गरीब है, ऐसा नहीं है। तो लेकिन आप किसी को खाना खिलाना है, ये करने के बाद आप खिलाएंगे और हो गया आपका काम, ठीक है। आप पंडित को अपना दक्षिणा दे सकते हैं, आप एडिशनल है उनको खाना खिला लेंगे। लेकिन कोई भूखा इंसान जो जिसको ज़रूरतमंद हो, तो उसको आप खाना खिलाइए, उनको दान कीजिए। ये करने के बाद आप घर आ जाइए, मैं आपको गारंटी देता हूँ, पूरा गारंटी देता हूँ इस बात का, कि अगर आपने उनका जो डॉक्टर का भी मेडिसिन भी चल रहा है और सारे आपने दिखा है, उसमें कोई निकल नहीं रहा है, तो आपको रास्ते खुल जाएंगे, वो धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएंगे, उनका सारे मेडिसिन काम करने लगेंगे, जो भी आपने ट्रीटमेंट किया है अभी तक, वो सारे ट्रीटमेंट धीरे धीरे सब सही हो जाएंगे। तो ये गारंटी है मेरा, ये करने के बाद आपका 1-2 महीने के अंदर अंदर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। अगर बहुत दिनों से प्रॉब्लम चल रहा है, तो 3 बार नहीं तो 5 बार नहीं तो 8 बार उनको करना है। करने के बाद आप उनका ज़िंदगी में चमत्कार देख सकते हैं, और मुझे इस बारे में कमेंट करके बताइए कि कैसा हुआ। और एक बात, ये जो मैं प्रयोग और विधान आपको बता रहा हूँ, मुझे लगता नहीं, मैं श्योर हूँ कि आज तक YouTube में ये ज्ञान किसी ने आपको नहीं दिया होगा, क्योंकि ये थोड़ा गूढ़ ज्ञान है, इसको हम बार बार अपने ज़िंदगी में उतार के, ये मुझे मिला था कहीं से, मिला मतलब खुद महसूस हो के, खुद जो भी हमको जैसे मंत्र प्राप्त होता है, हमको जैसे हमारे अंतरात्मा से जिस विधान आता है, उस विधान को हम उजागर कर, ये मैंने हज़ारों लोगों के ऊपर प्रयोग भी किया है, सभी को उनको उनका जो अच्छा रिजल्ट मिला है। तो आप इसको कीजिए, अगर कल कोई इस चीज़ पे ऊपर वीडियो डालता है, तो उसका ऊपर मैं एक्शन ले सकता हूँ, क्योंकि इस वीडियो को, इस चीज़ को मैंने आपके सामने उजागर किया। ऐसा नहीं लोगों को फ़ायदा हो, इसमें कोई ये नहीं है, लेकिन कोई बना चढ़ा के उल्टा पलटा करके बोलेगा, तो उसका ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो बात है, इसीलिए रुद्र गायत्री जो चीज़ है, रुद्र गायत्री मंत्र सबसे पावरफुल मंत्र है, जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र, रुद्र गायत्री मंत्र, अघोर मंत्र, ये सबसे पावरफुल होते हैं। तो आप ये विधान कर लीजिए, उसके बाद आपका जो पीड़ा है, उस पीड़ा का नाश हो जाएगा, आपके ज़िंदगी में खुशहाली आएगी, आप शांति से सुकून से अपनी ज़िंदगी जियोगे, ये मेरा वादा है। तो ठीक है दोस्तों, मेरे जो वीडियो को वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। आगे भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। भगवान महादेव आपको खुश रखे। जय श्री महाकाल। ओम नमः शिवाय।